वैल्यू ऑफ, और इधर पे एक कंडीशन और दे के रखी है कि ए प्लस बी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी, तो बेसिकली इसका कोई मतलब नहीं है, इसको कोई समझने की ज्यादा जरूरत है नहीं हमें। इसके अलावा ये भी लिखा है ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से, मतलब ए एंगल ए जो है वो बड़ा है बी से, हमें बताना है ए और बी की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होगा हमारा एंगल, टेन ए प्लस बी है अंडर रूट थ्री। अब इसको थोड़ा सा और मैं सॉल्व करूं तो टेन ए प्लस बी जो हो जाएगा हमारा अंडर रूट थ्री को मैं क्या लिख सकता हूं, आप बता सकते हो क्या कि मैं अंडर रूट थ्री को क्या लिख सकता हूं? तो अगर आप ध्यान से देखो इस टेबल को तो टेन के फॉर्म में अंडर रूट थ्री लिखा जा सकता है। देखो टेन कितने जा अंडर रूट थ्री होता है, टेन सिक्सटी जा अंडर रूट थ्री होता है, तो अंडर रूट थ्री को मैं क्या लिख दूंगा टेन सिक्सटी डिग्री। ठीक है, टेन सिक्सटी डिग्री मैंने लिख दी है। अब इससे होगा ये कि ये वाला 10 और ये वाला 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ऐसे कैंसिल करके तो नहीं दिखाना है, लेकिन आपको ऐसे लिख देना है 10 10 10 कैंसिल हो गया तो a प्लस b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। क्लियर है, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1। तो अभी तक तो हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व किया है, अब हम सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, कौन सा, ये वाला पार्ट है ना। अब a माइनस b की भी वैल्यू दी हुई है हमारे लिए, तो 10 a माइनस बी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 10 a माइनस बी हमारे पास दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब जरा चेक कर लो 1 अपॉन अंडर रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 10 a ये 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, 10 के फॉर्म में 1 अपॉन अंडर रूट 3 लिखा जा सकता है कितने 30 डिग्री, मतलब 10 30 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो मैं इस साइड का तो एज इट इज लिखूंगा 10 a माइनस बी, और ये 10 30 डिग्री लिख सकते हैं, 10 30 डिग्री। क्लियर है, अब अगेन ये होगा कि 10 और 10 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 और 10 कैंसिल होगा तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। तो इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई a प्लस बी इक्वल टू 60 और सेकेंड आ गई a माइनस बी इक्वल टू 30। अब हम करेंगे क्या, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग या फिर एड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों तरह से आप लिख सकते हो, एड इक्वेशन 1 एंड 2। तो RHS RHS से ऐड होगा, LHS LHS से, मतलब ये वाला a प्लस बी a माइनस बी से ऐड होगा। कैसे, देखो a प्लस बी हमारी फर्स्ट इक्वेशन का, a माइनस बी हमारा सेकंड इक्वेशन का, इज इक्वल टू इस साइड था हमारा 60 और इस साइड था हमारा 30, तो 60 प्लस 30 तो ये भी कर दिए। अब मुझे ये बताओ कि a प्लस a ये तो हो जाएगा हमारा 2a, a प्लस a हमारा क्या हो जाएगा 2a, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं 2a, और ये बताओ ये प्लस में भी और ये है माइनस भी, तो ये दोनों तो कट जाएंगे हमारे। इसके बाद यहाँ पे बचा हमारा 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, तो एंगल a कितना आ गया हमारा 90 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। अब हमें चाहिए बी की वैल्यू, अब हमें चाहिए बी की वैल्यू, अब बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, चाहे तो आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो ए की वैल्यू, चाहो तो सेकेंड इक्वेशन में, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1 थी ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू हम रख देंगे 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 15 डिग्री, तो b की वैल्यू आई 15, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो इस तरह से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारा आई थिंक ट्रू एंड फॉल्स, तो वो आप खुद से ट्राई करिए। क्लियर, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.8.3 कंप्लीट करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। क्लियर, तो बस एक क्वेश्चन आप पे छोड़ा, आप खुद से ट्राई करो, वो बहुत ज्यादा वैसे भी ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है, तो आप खुद कर सकते हो।
तो इसके बाद देखते हैं 8.3 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो वहां से जाकर के आप हर चैप्टर अपडेटेड सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।